अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे पास आई है छोटी सनूबर। तो सनूबर, मुझे कहाँ देखा था आपने, क्या टिकटॉक वगैरह पे फॉलो किया है? जी, मुझे मैंने टिकटॉक पे देखा था, आपने काफी टिकटॉकर्स को तैयार किया है। सोनिया गोपाल भी आई थी, वो भी आपसे तैयार हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैकअप वो मेरी ख्वाहिश थी, आपसे मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो अपना लुक चेंज करवाने आई हो? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ खूबसूरत लगूँ। और तो बिल्कुल इंशाल्लाह, तो आप मुझे ये बताओ कि आज आप माइयों के ड्रेस पर आई हो तैयार होने, माइयों के मेकअप लेने के लिए। अब ये बताओ, वलीमे में कब आ रही हूँ, मेरे पास बारात तो तुम्हारी हो गई। जी मेरी, देखिए मेरी शादी तो पहले हो चुकी थी, तो मेरी माइयों नहीं हुई थी ना, मेरा वलीमा हुआ था। अच्छा, तो मेरी शादी बड़ी इमरजेंसी में हुई थी, तो मैं चाहती थी कि मैं अच्छी लगूं, तैयार हूं, और मैंने चूज किया आपका पार्लर, और मैं इंशाल्लाह वलीमे में भी आपसे तैयार होंगी। चलो थैंक यू, फिर इंशाल्लाह माइयों के बाद आपका फिर वलीमे का मेकअप करेंगे। कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही हूं। ओके, स्किन ये काशी का ऑयल है और ये ग्लो लाता है स्किन पर और बहुत अच्छी बेस बनती है इससे। बेस लगा रहे हम 02 नंबर की। नाइन नंबर आईब्रो बना रहे हैं। तो मुझे खाते खाते रहेगी बन गई है। आइस बॉल पर अगर मुझे आईडी को प्रमोट करना है। अच्छा, तो उन्होंने बुलाया था, ब्लॉग बनना शुरू किया उनको, मतलब वो सिर्फ मैंने एक दफ़ा बुलाया था, वो भी सिर्फ अपनी सिस्टर से मिलवाने के। तो मेरा मेकअप है काशी का पिच, आई बॉल पर, सर्कल पर, आई सर्कल पर मैरून कलर, आइस कॉर्नर और सर्कल पर, आंखें बंद करो। डस्ट लगा रहे हैं, साना से मैंने ऐसे पूरा फ्रेश आना चाहिए, शिमर लगा रहे हैं। वैसे तो माइयों का मेकअप बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उनको अपना शूट करना है इसलिए थोड़ा सा है डस्ट। लाइशेस लगा रहे हैं। अच्छा, लाइनर लगा रहे हैं।
कल सोने की कॉल आई थी। ड्रेस तो मेरे पास नहीं है अभी। कौन है उसमें वाली? पता नहीं, पंजाब से आई हुई है। तो मैंने कहा आप वैसे काशी का कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं। पर देखो कंट्रोल कर रहे हैं। चाहिए ब्लशर वही आयशा। हाँ आयशा ने ब्रश फेर रही हूँ। टाइट वाला चीज सबने खाइए। मेकअप करते वक्त जो लड़का आपको याद आए। इनके शर्मा वीडियो वायरल हुई है बड़ी सनूगर जी। तुम्हें कैसा लग रहा है मेकअप आपकी? ये देख के तो ये मतलब मेकअप अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त। मैंने इनसे पूछी थी कि तुम बारात का मेकअप तुमने लिया था, उसमें कोई फर्क नजर आ रहा है? कुछ हाँ ये भी थी ना, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी। आपकी यूट्यूब चैनल भी है ना? तो यहाँ हमारा मेकअप ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इनका हेयर स्टाइल के लिए जा रहे हैं। इनका हेयर स्टाइल बनेगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि इनका मेकअप कैसा लग रहा है। सनू भाई ऐसे चेक करो, ये देखें इनका इस मेकअप। खोलो आके सनू भाई, तुम थोड़ा सा चेंज लगी बहुत ज्यादा, मैंने सोचा भी नहीं था और मुझे बहुत अच्छा लुक दिया है। और चलो हेयर स्टाइल के बाद और चेंज आएगा। थैंक यू राबी। ओके तो ये देखें पूरा लुक सनोबर का। तो सनोबर कैसी लग रही है देखें। आइस नीचे आइस खोलो। सनोबर का आइस मेकअप, ये हेयर स्टाइल और ये मेहंदी। सनूबर ने मेहंदी भी लगवाई है देखें। तो सनूबर तुम्हें कैसा लग रहा है मेकअप? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच राबी, और बहुत अच्छा लुक दिया, बहुत मुझे प्यारा कर दिया, चेंज कर दिया और मैं माइयों के लिए रेडी हो गई हूँ। तो आपस में आप लोग आए एक बार जरूर विजिट करें और मेकअप भी चेक करें। बहुत आउट क्लासेस है और हर चीज़ ये इम्पोर्टेंट लगाती है, मतलब कोई लोकल नहीं है इनके पास जो है ना, ब्रांडेड है। थैंक यू राबी, वेलकम। अच्छा लुक देखे आप तो सनूबर, तुम्हें लुक चेंज लगा आज का? जी मैं बिल्कुल ही चेंज लग रही, मैं अपने आपको यकीन नहीं कर रही। अभी मेरे हस्बैंड भी जब मुझे देखेंगे शॉक्ड हो जाएंगे। अच्छा मैंने उनको दिखाया नहीं। एक चीज ये भी क्लियर कर दो कि अभी तुम अपने आप को तुमने मिरर में देखा है तो ये भी देख के बता दो कि तुम्हारी बेस तुम्हें कैसी लग रही है, क्या कहीं से बेस फट गई है या बेस ओवर हो रही है या बहुत ज्यादा वाइट हो रही है या नेचुरल आ रही है? जगह मैं जाती हूँ पार्लर पे विजिट करती हूँ तो वो बेस मेरा बहुत बहुत देर में जाके बैठता है, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी बैठ गया बेस और कहीं से नहीं फट रहा, कहीं से लाइनें बनी बनी फौरन लाइंस बन जाती है यहाँ पे ना। अच्छा। तो मैंने नोट की यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, बिल्कुल मैं अच्छी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ। थैंक यू सनूबर। आप सनूबर मुझे खुद को भी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा बना। अलग अलग बाल आगे पीछे नहीं जाए, हाँ ऐसे रखो ऐसे रखो, गुड ऐसे ही ऐसे फेस को नीचे आइज जबरदस्त।